जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला आज कैथल पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने चौटाला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि काफी समय बाद वो कैथल आए हैं। पूरे हरियाणा में जिला कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है और निरंतर आप देख रहे हैं पार्टी गतिविधियाँ चल रही हैं। मैं भी जा रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, पार्टी के दूसरे वरिष्ठ लोग भी जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं, दिग्विजय भी जा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए मुकदमों को लेकर भी अजय चौटाला ने बयान दिया। भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों के पर्चे दर्ज को कैसे देखते हो आप? क्या ये वापस हो? पार्टी का स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, हमारे पार्टी के मुख्य महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी किसानों के मुकदमे। वहीं प्रदेश में पहचान पत्र के तहत ऐसे लोग जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं और उस दंपत्ति की सालाना आय 2 लाख से ज्यादा है, ऐसे में सर्वे के बाद उनकी पेंशन को काट दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर किए गए सवाल पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है और मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी बताया है। जो योग्य है उनकी वृद्धावस्था सामान भत्ता नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी डाला था और जो भी कोई इस तरह की चीजें हैं वो मिलकर के दूर करेंगे। नहीं सर, 2 लाख की कंडीशन लाके पेंशन काटने का मैंने कहा ना कि जो चीजें इस तरह की नोटिस में आई है उन्हें मिलकर के दूर करने का काम करेंगे। किसी बुजुर्ग की पेंशन जो योग्य है, जो पात्र है, उनकी नहीं कटेगी, उनको मिलेगी। आपको बता दें 5100 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का वादा करने वाली पार्टी जेजेपी अब गठबंधन सरकार का बुजुर्ग की पेंशन काटने का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि योग्य और पात्र बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटेगी। आपको बता दें सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए योग्यता निर्धारित कर दी है कि जिन लोगों की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा है उनको पेंशन नहीं मिलेगी और जननायक जनता पार्टी भी इस पर अपना समर्थन देती हुई कहीं न कहीं नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।